Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope all of you are well. Today we are going to start unit number 6. The title of the unit is Can and Cannot. Open your book, page number 13. Can and cannot. कर सकना और नहीं कर सकता. तो जो कुछ काम जो होते हैं वो हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. तो चलें, यहाँ पे भी आपको इस पेज पे भी डिफरेंट पिक्चर्स नजर आ रही होंगी जिसमें सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं. और तो चलें देखते हैं कि क्या चीज है. फर्स्ट पिक्चर पे है, कैन अ टाइगर रन? क्या चीता भाग सकता है? यस इट कैन, जी हाँ ये भाग सकता है. कैन अ बेबी रन? क्या बच्चा भाग सकता है? नो इट कैन नॉट, नहीं ये नहीं भाग सकता. कैन अ स्पैरो फ्लाई? क्या चिड़िया उड़ सकती है? यस इट कैन, जी हाँ ये उड़ सकती है. पिक्चर नंबर 4, कैन एन ऑस्ट्रिच फ्लाई? क्या शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच बच्चों कहते हैं शुतुरमुर्ग को, शुतुरमुर्ग उड़ सकता है? नो इट कैन नॉट, नहीं ये नहीं उड़ सकता. पिक्चर नंबर 5, कैन अ पैरेट स्पीक? क्या तोता बोल सकता है? यस इट कैन, जी हाँ ये बोल सकता है. कैन अ बकेट स्पीच? क्या बाल्टी बोल सकती है? नो इट कैन नॉट, नहीं ये नहीं बोल सकती. डिफिकल्ट वर्ड्स हैं बच्चों, उनके मीनिंग्स देखते हैं. कैन कर सकता, कैन नॉट नहीं कर सकता. टाइगर चीता, रन भागना, बेबी बच्चा, स्पैरो चिड़िया, फ्लाई उड़ना, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, स्पीक बोलना, बकेट बाल्टी. बच्चों इन वर्ड्स मीनिंग को आपने अपनी बुक और नोटबुक दोनों के ऊपर लिखना भी है और याद भी करना है. नाउ मेक सेंटेंसेस. फर्स्ट वर्ड इज टाइगर. आई सा अ टाइगर इन द जू. मैंने टाइगर जो है वो चिड़ियाघर में मैंने एक टाइगर देखा. फ्लाई उड़ना. बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई. परिंदे आसमान में उड़ सकते हैं. स्पीक बोलना. आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ. मैं हमेशा सच बोलता हूँ, बोलती हूँ. रन भागना. आई कैन रन फास्ट. मैं तेज भाग सकता हूँ, सकती हूँ. बकेट बाल्टी. आई हैव अ बकेट. मेरे पास एक बकेट है. बच्चों इन वर्ड सेंटेंसेस को आपने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर लिखना है. अब बच्चों एक्सरसाइज करते हैं. पार्ट ए है, आंसर द क्वेश्चंस बिलो. कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जिनके हम आंसर सभी देते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन अ स्पाइडर स्विम? क्या स्पाइडर जो है वो तैर सकता है? नो इट कैन नॉट, नहीं स्पाइडर नहीं तैर सकता. क्वेश्चन नंबर 2, कैन एन एलिफेंट जंप? क्या हाथी छलांग लगा सकता है? आंसर नो इट कैन नॉट, नहीं ये नहीं कर सकता. क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ बॉय रन? क्या लड़का भाग सकता है? आंसर यस इट कैन, जी हाँ ये भाग सकता है. क्वेश्चन नंबर 4, कैन अ फिश फ्लाई? क्या मछली उड़ सकती है? आंसर नो इट कैन नॉट, नहीं ये नहीं उड़ सकती. क्वेश्चन नंबर 6, कैन अ पांडा क्रॉल? क्या पांडा जो है वो क्रॉल कर सकता है, रिंग सकता है क्रॉलिंग? आंसर नो इट कैन नॉट, नहीं ये नहीं तैर क्रॉल कर सकता. क्वेश्चन नंबर सॉरी दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू फ्लाई? क्या आप उड़ सकते हैं? नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं उड़ सकता. क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू ईट? क्या आप खा सकते हैं? यस आई कैन, जी हाँ मैं खा सकता हूँ. पार्ट बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. नंबर 1, अ कैट कैन बार्क? क्या बिल्ली जो है वो भोंक सकती है? बार्क कुत्ते के भोंकने के लिए बच्चों वर्ड बार्क यूज होता है, तो फॉल्स. नंबर 2, अ डंकी कैन स्विंग? क्या गधा गा सकता है? फॉल्स नहीं. क्वेश्चन नंबर 3, अ गर्ल कैन प्रे? क्या लड़की दुआ कर सकती है? यस ट्रू. नंबर 4, एन एरोप्लेन कैन वॉक? क्या एरोप्लेन चल सकता है? फॉल्स. नंबर 5, अ मंकी कैन डांस? क्या मंकी जो है वो डांस कर सकता है? यस.
Part C, circle the correct position words. Number 1, the goat is dash near on the tree. The goat is near the tree. Number 2, the frog is in on the bank. Is in the bank. Number 3, father is at near work. At is a correct. Number 4, boys are in at the beach. At is a correct. Grandmother is at on the prayer rug. Prayer rug बच्चों कहते हैं जानुमास को, ठीक है? तो at on, तो on is a correct. ये आपने अपनी बुक के ऊपर इसी तरीके से सर्कल लगाने हैं. अब पार्ट बी है, find the right word to make a sentence. क्वेश्चंस आपको गिवन है और साथ में यहाँ पे वर्ड्स गिवन है जिनको आपने यूज करना है और उससे सेंटेंस बनाना है. नंबर 1 है, व्हाट कैन अ डॉग डू. डॉग क्या करता है? बार्क और फ्लाई. तो डॉग जो है वो बार्क करता है. इट कैन बार्क. नंबर 2, व्हाट कैन नॉट द विंड डू. वॉक, ब्लो. ब्लो तो हवा जो चलती है उसको ब्लो कहते हैं, और वॉक चलना. तो इट कैन नॉट वॉक, वो नहीं चल सकती. नंबर 3 है, व्हाट कैन नॉट अ बर्ड डू. बर्ड क्या नहीं कर सकते. स्माइल और फ्लाई. तो बर्ड जो है वो स्माइल नहीं कर सकते, तो इट कैन नॉट स्माइल. तो यहाँ पे आपने बच्चों इट कैन नॉट स्माइल लिखना है. यहाँ साथ में मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिए हैं, तो आपने इसी तरीके से अपनी बुक के पेज के ऊपर लिखना है, इट कैन नॉट स्माइल. नंबर 4, व्हाट कैन अ रैबिट डू. रैबिट क्या कर सकता है. स्पीक और होप. इट कैन होप. तो वो होप जो है वो उसके चलने को कहते हैं, छलांग लगा के जो चलता है तो उसको. तो इट कैन होप. व्हाट कैन नॉट अ लाइन डू. लाइन क्या नहीं कर सकता. रोर आर राइट. इट कैन नॉट राइट. तो वो लिख नहीं सकता. नंबर 6, व्हाट कैन अ बेबी डू. बेबी क्या कर सकता है. स्पीक और क्राई. इट कैन क्राई. तो वो रोता है, रो सकता है, वो बात नहीं कर सकता. नंबर 7, व्हाट कैन अ नाइफ डू. नाइफ क्या कर सकती है. कट और रन. इट कैन कट. तो यहाँ पे आपने इट कैन कट लिखना है. नंबर 8, व्हाट कैन नॉट अ पेन डू. पेन क्या नहीं कर सकता. स्लीप और राइट. इट कैन नॉट स्लीप. वो नहीं सो सकता. तो आपने यहाँ पे इट कैन नॉट स्लीप लिखना है. यहाँ बच्चों साथ में लिखे हुए भी हैं, इनको आपने अपनी बुक के पेज के ऊपर लिखना है नीट राइटिंग में. जो उम्मीद है बच्चों आपको लेसन के अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी. अब आपके लिए होम असाइनमेंट है कि वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं. एंड डू पार्ट बी सी एंड डी ऑन बुक. और ये बी सी एंड डी पार्ट को आपने अपनी बुक के ऊपर करना है. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज. सी यू अगेन इंशाल्लाह.